आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और कोई सी भी फाइल अगर आप, जिस तरह आपके पास अगर कोई वीडियो है वो आप प्ले करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे गूगल क्रोम में, तो उसे प्ले कर देगा। इस तरह ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो इसे प्ले कर देगा, इसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है आप उसे देखना चाहते हैं, तो अब मेरे पास एक इमेज पड़ी है डेस्कटॉप पे, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये मुझे उसका व्यू देगा। ये देखिए मैंने इमेज इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो इसने मुझे इसका व्यू दिया। अब मेरे पास ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो मैं अब इसमें ये पेस्ट करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो ये इसे रीडेबल बनाएगा। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये था इसका पहला फीचर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गूगल क्रोम का दूसरा फीचर है थीम चेंज करना, कि हम थीम किस तरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने गूगल क्रोम पे ये राइट साइड पे कस्टोमाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये गूगल की इमेज भी मिल जाती है, आप इन्हें भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और किसी एक को सिलेक्ट करके डन करता हूँ, तो ये गूगल का बैकग्राउंड चेंज कर देगी। तो ये देखें गूगल का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर आप इसे कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए आप कलर थीम पे आएंगे और यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें तो वो गूगल क्रोम का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसे बहुत अच्छी लुक आती है गूगल क्रोम की, और आप इसे डन पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। नेट की स्पीड स्लो है इसलिए ये स्लो काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप गूगल के शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप इसी कस्टोमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप शॉर्टकट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये आप इसे, अगर ये हाइड मैंने की हुई, अगर आप इसे शो कर देंगे तो ये आपके गूगल क्रोम में ये शो हो जाएंगे, जैसे ये शो हो रहे हैं। और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेम लिख देंगे और यहाँ पे उसी वेबसाइट का URL दे देंगे और वो ऐड हो जाएगी इधर। जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसकी हिस्ट्री सेव होती है, यानी हमने क्या सर्च किया, हमने क्या देखा, जो भी हम सर्च करते हैं देखते हैं सब कुछ इसमें सेव होता रहता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप ये नहीं चाहते कि कोई हमारी हिस्ट्री देखे कि हमने क्या सर्च किया क्या देखा, तो आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि वो इसमें सेव हो ही ना, तो उसके लिए आप इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें। तो इनकॉग्निटो मोड में किस तरह आप ट्रांसफ़र होंगे, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो आप इनकॉग्निटो मोड में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे वो आप सिक्योर रहेंगे, उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। तो इसकी इनकॉग्निटो मोड से वापस जाने के लिए आप इसे एग्जिट इनकॉग्निटो मोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इनकॉग्निटो पर क्लिक करेंगे और ये एग्जिट इनकॉग्निटो पर क्लिक करेंगे तो ये आप इसे निकल जाएंगे। अगर आप गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T, अगर आप Ctrl+T प्रेस करेंगे तो नई टैब ओपन हो जाएगी। मैं भी प्रेस करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करूँगा तो ये न्यू टैब ओपन हो गई है। अगर आपने इसी टैब को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W, Ctrl+W प्रेस करेंगे तो वो टैब क्लोज हो जाएगी, कोई भी टैब क्लोज हो जाएगी जो आपने ओपन कर रखी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी में काम कर रहे होते हैं, कोई टैब क्लोज हो जाती है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि हमने वो टैब ओपन करनी है, तो उसे अब कैसे ओपन करेंगे, उसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। फर्क करें, मैं एक टैब क्लोज करता हूँ फिर उसे ओपन करूँगा। मेरे पास ये टैब है ये वाली कंपोनेंट, कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में, इसे क्लोज कर देता हूँ, लेकिन अब मुझे उसकी ज़रूरत है, मैंने उसे दोबारा लाना है इधर, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+T प्रेस करूँगा तो वही टैब मेरे पास ओपन हो जाएगी जो मैंने लास्ट में क्लोज की थी। अगर आपने बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन कर रखी हैं और आप चाहते हैं कि मैं दूसरे नंबर वाली या तीसरे नंबर वाली किसी भी टैब पे आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। जिस तरह मेरे पास ये तकरीबन बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन है, तो मैं इस टैब पे जंप करना चाहता हूँ, तो मैं Ctrl+3 प्रेस करूँगा तो मैं इस टैब पे आ जाऊँगा। ये 4 नंबर पर Ctrl+4 करूँगा तो मैं इस वाली पे आ जाऊँगा। अगर मैं फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ तो Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो मैं फ़र्स्ट वाली टैब पर चला जाऊँगा। और अगर आप सबसे लास्ट वाली टैब में जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+9 प्रेस करेंगे तो ये आप लास्ट वाली टैब में आ जाएंगे।
अगर आपने पहली टैब ओपन कर रखी है, कोई भी टैब ओपन कर रखी है, आप नेक्स्ट टैब या किसी और टैब में जाना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट टैब पे मूव हो जाएगा। इस तरह मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल पेज अप प्रेस करता हूँ तो ये लास्ट से पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, एंड से पीछे की तरफ ये, और अगर मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो ये आगे की तरफ मूव करेगी और किसी भी टैब पे जाके आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की हुई है और आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट मेरे पास सेव रहे, अभी आपके पास टाइम नहीं है, बाद में आप इसे विजिट करेंगे और आप उसे पिन करना चाहते हैं, ये टैब मेरे पास पिन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने कोई ओपन कर रखी है, फर्ज करें ये पहली जो टैब है मैंने ये ओपन कर रखी है, अब मैं इसे पिन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप बुक मार्क बार में इसे सेव करना चाहते हैं या कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो मैं इसे बुक मार्क में सेव करना चाहता हूँ, और आप डन प्रेस कर देंगे और ये आपकी बुक मार्क में आ जाएगी, और आप यहाँ पे इन एरोज पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने पहले बहुत ज़्यादा टैब पिन कर रखी हैं तो ये सबसे नीचे आई होगी, तो ये जो आप इसे पोजीशन भी दे सकते हैं, आप इसे क्लिक करके ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। अब दोबारा जब भी मैं कंप्यूटर को ओपन करूँगा तो ये मेरे सामने ओपन होगी गूगल क्रोम में, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा, और फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डिलीट कर दूँ तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, और सिंपली आपने इस पर राइट क्लिक करना और डिलीट प्रेस कर देना है। गूगल का जो अगला फीचर है उसके बारे में बात करेंगे कि बहुत अवकात हम बहुत सी फाइल डाउनलोड करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि वो सेव कहाँ पे हुई हैं, कभी कभी हम सेटिंग नहीं करते और हमें पता नहीं होता कि वो सेव कहाँ पे हो रही हैं, तो उनको ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि गूगल क्रोम को ओपन करना है और कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है, मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करता हूँ तो ये डाउनलोड हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास एक फ़ाइल इमेज है या हाँ इमेज है, अब ये मेरे पास डाउनलोड है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, लेकिन मुझे मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पे ले जाएगा, ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है ये वाली इमेज, तो मुझे वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो जिस तरह ये एक थीम है तो इस पर क्लिक करूँगा, ये डिस्क डी में है, तो इस तरह आप अगर कोई चीज़ डाउनलोड की है तो आप वहाँ अब तक पहुँच सकते हैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करके। इसके बाद आपने गूगल पे जो कुछ भी सर्च किया आप देखना चाहते हैं कि हमने क्या सर्च किया क्या देखा, तो उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। तो अगर आप गूगल क्रोम की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एच, तो जो कुछ भी आपने सर्च किया, किस टाइम पे सर्च किया, किस डेट को सर्च किया, वो सारी हिस्ट्री आपके पास ओपन हो जाएगी, और आप दोबारा उसी किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। मैंने इस पर कंप्यूटर पर क्लिक किया तो ये वो वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। नेक्स्ट जो फीचर है उसके बारे में बात करेंगे कि आपने वेबसाइट कोई भी ओपन कर रखी है या न्यू टैब ओपन कर रखी है, अब आप चाहते हैं कि हम कुछ और सर्च करना चाहते हैं और हम कर्सर को मूव करना चाहते हैं ओमनी बॉक्स में यानी सर्च बार में, तो आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस एल करना है तो ये आपका कर्सर यहाँ सर्च बार में आ जाएगा। ये देखिए अब कुछ भी नहीं, मैं कंट्रोल प्लस एल करूँगा तो ये यहाँ फिर सर्च बार पे आएगा और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ की शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होने से बचाती हैं। अब हमने बात की हिस्ट्री की, हम कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये सारी हिस्ट्री आ जाती है। अब हम कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री ये डिलीट हो जाए, क्योंकि हम कोई भी हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है तो हो सकता है कोई हमने ऐसी चीज़ प्राइवेट सर्च की हो कि हम नहीं चाहते कि वो हमारी प्राइवेट चीज़ों को देखे, तो आप चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी से डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करना है तो वो आपकी सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। उस जिस तरह मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि ऑल टाइम मुकम्मल हिस्ट्री, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, एंड तो ये अदर डेटा मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि नहीं ये मेरी वो वाली जो मैंने लॉगिन की हुई है उसे भी क्लियर कर देगा, तो हम यहाँ से क्लियर डेटा पे क्लिक करते हैं, ये मुकम्मल हिस्ट्री अब क्लियर हो गई है। मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, वो कह रहा है कि योर ब्राउजिंग हिस्ट्री अपीयर्स हियर, लेकिन अभी यहाँ पर कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि हमने डिलीट कर दी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा टैब ओपन की हुई हैं और हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल लास्ट वाली टैब में चले जाएँ, हम किसी भी टैब पे हैं और लास्ट वाली हमारे पास जो लास्ट वाली टैब है वो है सेटिंग।
अब मैं चौथे नंबर पे जो टैब उस पर हूँ, अब आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करना है, तो आप लास्ट वाली टैब पे चले जाएंगे। मैं कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करता हूँ तो ये देखें मैं लास्ट वाली टैब में आ गया हूँ। बहुत दफ़ा हम कुछ वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उनका टेक्स्ट साइज़ कम होता है, छोटा होता है, और हम चाहते हैं कि हम लार्ज साइज़ में उसे देखें, या आप उसे जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस करना है और माउस का स्क्रॉल जो है उसे स्क्रॉल करना है। तो ये देखें ये जूम इन और जूम आउट करेगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो अभी मेरे पास 50% पे, अब मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस 0 करूँगा तो ये 100% पे कर देगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। गूगल में हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ सर्च करते हैं वहाँ पे हम इसे कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये सर्च टैब ओपन है तो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा, यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा, फर्ज करें मैं करता हूँ 10 × 20, तो अब ये इक्वल प्रेस कर देता हूँ तो ये इसका जवाब मुझे आ जाएगा 200। अगर नेट स्पीड है तो वो ऑटोमेटिकली आपको जवाब दे देगा, अदरवाइज़ ये आप अगर इक्वल का निशान था लगा देंगे तो वो फौरन आपको इसका जवाब दे देगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी ब्राउज़र, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप चाहते हैं कि हम उसे फुल स्क्रीन में देखें, तो उसके लिए भी एक सिंपल सी शॉर्टकट की है। आपने किसी भी वेबसाइट को ओपन करना, जिस तरह मैंने ओपन कर रखी है, ये एक वेबसाइट है, अब ये टैब ओपन है, ये एक्सटेंशन हैं जो ऊपर के टैब्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फुल स्क्रीन में से देखूँ, तो आपने क्या करना है, सिंपली F11 प्रेस करना है तो ये वेबसाइट फुल स्क्रीन में आपको शो होगी। इसे आप फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे वापस आने के लिए आप दोबारा F11 प्रेस करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। अभी तक गूगल में बहुत ज़्यादा फीचर हैं, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, ऑटो फिल है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि टाइम मुख्तसर है। इस तरह अगर हम मुकम्मल फीचर के बारे में बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो लास्ट में टिप है, ट्रिक है, या आप इसे शॉर्टकट की है, ये बहुत ही यूज़फुल है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो यानी कंट्रोल प्लस पी। इसका क्या फ़ायदा अभी मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। जिस तरह मेरे पास ये वेबसाइट ओपन है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली वेबसाइट मेरे पास PDF में आ जाए, कि मैं इसे बाद में रीड कर लूँ या मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ तो ये पेजेस की शेप में मेरे पास सेव हो जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करना है, मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना है, तो ये जितने भी पेजेस हैं उनको तरतीब दे के ये देखिए इसने PDF में कन्वर्ट कर दिया इस सारी वेबसाइट को। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास है कि आप PDF में करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव में करना, मैं PDF में फ़िलहाल करना चाहता हूँ, तो ये पेजेस आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ये आप दो पेज करना चाहते हैं, तीन करना, जितने भी कहाँ से कहाँ तक पेज करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ऑल पे करता हूँ। उसके बाद आप इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर, मैं इसे लैंडस्केप करता हूँ तो ये आप देखें ये लैंडस्केप में इसे कन्वर्ट कर देगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर लेना है, और ये आपसे पूछ रहा है कि किस जगह पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे हो जाएगा ओपन। ये देखें ये डेस्कटॉप पे सेव हो गई है, अब हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें ये वही वेबसाइट है और उसका सारा डेटा हमारे पास PDF में है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं लेकिन वो PDF में हमें नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए आपने सिंपली कंट्रोल प्लस पी करना है तो वो मुकम्मल जो भी वेबसाइट पे जितना कुछ भी ओपन होगा, जितने भी पेजेस ओपन होंगे उन सबको वो एक PDF में कन्वर्ट कर देगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी गूगल सर्च के बारे में, वो 2-3 दिन के बाद आए या इन कुछ वीडियोस के बाद आए लेकिन ज़रूर आएगी, तो उसकी एक सर्च मैं आपको बताता जाऊँगा कि उसमें क्या होगा, सिर्फ एक सर्च कि आप किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च कर सकते हैं, किस तरह कंट्री कोड दें और कॉन्टैक्ट नंबर दें गूगल क्रोम में और उसका डेटा मुकम्मल आपके सामने आ जाएगा। यानी कि अगर किसी ने वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर कहीं पे भी यूज़ किया हुआ इंटरनेट पे तो वो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अब मेरे पास एक नंबर है, कोई भी मैं सर्च कर लेता हूँ, तो सबसे पहले आपने कंट्री कोड देना है, मैंने 92 कंट्री कोड दे दिया। उसके बाद आपने कोई भी नंबर सर्च कर लेना है, मेरे ये दोस्त का नंबर है, मैं इसे सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास उसके रिलेटेड रिज़ल्ट दिखाएगा। हाँ ये देखें ये YouTube पे है, ये YouTube पे उसने ये नंबर दिया हुआ है और अपना ईमेल दिया हुआ है साथ, ये तकरीबन उसने YouTube की डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। और हम इस पर क्लिक करें, अगर हम यहाँ पे वीडियोज़ पे क्लिक करें, ये तो ऑल ओपन है, या हमने वीडियोज़ पे क्लिक किया
अगर आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी इमेजेस आ गई हैं। तो ये youtube.com यानी ये उसने थंबनेल लगाए हुए हैं और इसने YouTube के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है। ये देखें हम YouTube की इसकी कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन में ये नंबर ज़रूर मिलेगा। अब जो उसकी YouTube की वीडियो ओपन होगी हम देखते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में, हाँ ये देखें ये कॉन्टैक्ट नंबर उसने दिया हुआ है अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए ये शो हो रहा है। अब कोई भी नंबर कंट्री कोड दें और सर्च करें गूगल में तो वो अगर इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल है, कहीं पे भी उसने अगर फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी दिया हुआ है तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी बारे में होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी वो इंतहाई, अभी तक हमने ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल क्रोम की और बहुत सी सेटिंग्स आने वाली हैं और बहुत से सोशल मीडिया हैं और ब्राउज़र हैं जिनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी व्हाट्सएप की बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली हैं और इसके अलावा इंतहा का डेटा आने वाला है। और अब अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।